नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जनपद मथुरा के स्टेशन से हुए बच्चा चोरी की सनसनीखेज घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दिल को दहला देने वाली ये घटना के खुलासे के बाद हाथरस की जनता भी सकते में है, क्योंकि इस अंतर जनपदीय बच्चा चोर गिरोह की सरगना कथित डॉक्टर दंपति हाथरस में निवास करते हैं। उनका नर्सिंग होम जिला अस्पताल के पास बेखौफ धड़ल्ले से चल रहा था। दुखद पहलू ये रहा कि स्वास्थ्य महकमा सब कुछ जानते हुए अनजान बना हुआ था। जब यह मामला प्रकाश में आया उसके बाद स्वास्थ्य महकमा जगा और उस नर्सिंग होम को सीज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई, जहां से इस खौफनाक गिरोह को संचालित किया जा रहा था। आपको बता दें कि यह घटना 24 अगस्त की है। मथुरा जंक्शन के प्लेटफार्म पर सोती महिला यात्री राधा देवी पत्नी करण सिंह निवासी गांव परखम के 7 माह के मासूम बच्चे को अगवा कर लिया गया। घटना की जानकारी होने पर सीसीटीवी फुटेज में बच्चा चोरी करते हुए एक शख्स दिखाई दिया। बस फिर क्या था, जीआरपी पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस के भागीरथी प्रयासों से बच्चे को फिरोजाबाद से बरामद कर लिया गया है। इस खबर के बाद पुलिस महकमे ने राहत की सांस ली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया तो हाथरस के डॉक्टर दंपति को सरगना बताया गया। इस खबर के बाद हाथरस की जनता में इस डॉक्टर दंपति को लेकर गुस्सा है। लोगों की माने तो इस नर्सिंग होम के संचालिका का पति स्वास्थ्य महकमे में फार्मासिस्ट के पद पर तैनात है। उसकी धमक के आगे सब सिस्टम बौना था। कई बार छापे पड़े मगर सेटिंग के आगे फेल था। हाथरस से विष्णु नागर की रिपोर्ट। सर क्यों सील किया गया है सर ये बांके बिहारी चिकित्सालय? ये शिकायत बनी है कि ये लोग मानव तस्करी में पर को हाथ है, वहाँ पर बच्चा पकड़ा गया। जानकारी तो नहीं पता, एक और चलता हूँ देखने जा रहे हैं। 363 का मुकदमा लिखा गया था जिसमें वादी जो है वो राधा जी हैं, जो यहीं के मथुरा की हैं। वो यहाँ पे आगरा आए थे, ये मथुरा आए थे वो लोग घूमने के लिए, तो प्लेटफॉर्म से उनका बच्चा जो है वो चोरी हो गया था सुबह के लगभग 4 बजे के आसपास, जो कि फुटेज आप लोगों ने देखा होगा। तो जैसे ही मुकदमा लिखा गया था उसके बाद जो है इसके लिए 6 टीमें जो है वो बनाई गई थी, सर्विलांस की टीम, कई थानों की टीम इसमें लगाई गई थी, जिसमें कासगंज है हमारा, हाथरस है, मथुरा है, आगरा है, कई जगहों की टीम जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे इसके अनावरण के लिए लगाया था और फुटेज को हम लोगों ने कई जगहों पे सर्कुलेट करवाया था। उसी प्रकरण में ये संज्ञान में आया, जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गैदर हुआ कि वो बच्चा की चोरी जो है वो ये दीपक नाम का लड़का है, ये हाथरस का है, दीपू इसको बोलते हैं, इसका एक कहाँ है आपका प्रेस नोट नहीं आया, दीप कुमार है, ये हाथरस का है। तो ये जो आप लोगों ने फुटेज देखा होगा वो आदमी जो है वो दीप कुमार है, जो बच्चा जो है वो उठा करके ले गया था। फिर उसके बाद हमें पता चला कि पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड इनका गैंग है, पूरा एक जिसमें कई लोग शामिल हैं, जिसमें बच्चा चोरी करने वाले हैं, बच्चा बेचने वाले हैं, इसमें कुछ 2 महिलाएं भी शामिल हैं जो ANM का काम जो है वो हाथरस में करती हैं, और उनके द्वारा जो भी जिसको जिस भी दंपति को बच्चे नहीं होते हैं उनका क्या करते हैं कि वो लोग उनके पास आते हैं, फिर वो हॉस्पिटल वाले के पास ले जाते हैं और वहाँ पर ये बच्चे को बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है और उनके जो भी लोग हैं उन तक पहुँचाया जाता है। तो इसी में पूरे जो सिंडिकेट था तो उसमें हमने बच्चा जो है बरामद किया है।